स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार गोरखपुर जिले में शुक्रवार को पिछले 24 घंटे में 162 नए कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले सामने आए हैं। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 8,434 हो गई है, जिनमें से 5,715 मरीज इलाज कराकर घर जा चुके हैं। इसमें डिस्चार्ज और होम आइसोलेशन इज ओवर कोरोना मरीज भी शामिल हैं। वहीं 2,719 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों में अभी भी चल रहा है। जिले में विगत 24 घंटे के दौरान 3 कोरोना संक्रमित मरीजों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें, स्वास्थ्य विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार को जो संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें शहरी क्षेत्र में 58, ग्रामीण क्षेत्र में 77 और अन्य क्षेत्रों में 27 मरीज पाए गए हैं। शुक्रवार को शहरी क्षेत्र में जो 58 नए संक्रमण के मामले सामने आए हैं, उनमें शाहपुर क्षेत्र में 18, तिवारीपुर क्षेत्र में 4, रामगढ़ ताल क्षेत्र में 4, गोरखनाथ क्षेत्र में 1, कैंट क्षेत्र में 19, गुलरिया क्षेत्र में 9 व कोतवाली क्षेत्र में 3 नए संक्रमित सामने आए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो 77 नए मरीज पाए गए हैं, उनमें बांसगांव क्षेत्र में 7, कैंपियरगंज क्षेत्र में 2, गोला क्षेत्र में 2, खजनी क्षेत्र में 1, पिपरौली क्षेत्र में 2, बढ़लगंज क्षेत्र में 4, चरगावा क्षेत्र में 8, जंगल कोड़िया क्षेत्र में 2, कोराबार क्षेत्र में 8, सहजनवा क्षेत्र में 2, बेलघाट क्षेत्र में 5, भटहट क्षेत्र में 6, कौड़ीराम क्षेत्र में 6, पाली क्षेत्र में 8, सरदार नगर क्षेत्र में 14 सहित अन्य 27 नए संक्रमित पाए गए हैं। इसकी पुष्टि CMO डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की है। उन्होंने बताया कि कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के परिजनों को कोरोना जांच कराई जाएगी, साथ ही जहां भी कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, वहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य कराया जा रहा है।